खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी वो थी रोहतक, और इस वक्त हमारे साथ रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा और यहां से 3 बार सांसद भी रहे। हुड्डा साहब, क्या इस बार हुड्डा परिवार के राजनीतिक इतिहास का टेस्ट हो रहा है दोनों सीटों पर, सोनीपत और रोहतक? देखिए, मैं समझता हूं कि मेरा विश्वास है कि हरियाणा में कांग्रेस अधिकतर सीटों पर जीतेगी, और ना सिर्फ रोहतक सोनीपत में बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी है, मगर अधिकतर सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। आपके फादर साहब और भूपेंद्र हुड्डा जी को इस बार बड़ा झुक के लोगों के सामने अपील करनी पड़ी, मैंने वो तस्वीर देखी थी, कुछ मुश्किलें सामने आ रही हैं? नहीं, वो जो है एक भावुकता भरा पल था, जिस प्रकार से लाखों लोग गोहाना में उमड़ के आए, मैं समझता हूँ हुड्डा साहब भावुक हो गए, क्योंकि एक भावुकता का कारण ये भी था, और मैं एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ आदेश आपको, ये शायद किसी ने सवाल भी नहीं पूछा, कि जब एक ऐसे व्यक्ति पे आरोप लगाए जाएं जो एक सच्चे और सीधे इंसान पे जो आरोप लगाए जाए, जो बीजेपी ने आरोप लगाए, अपनी राजनीति के लिए आरोप लगाए इन लोगों ने, और उन आरोपों को सहा, उन्होंने झेला, निशाना बनाया जाए ऐसे व्यक्ति को, उन्होंने उन आरोपों को सहा, उस अपने को निशाना बनने दिया, मगर कभी जो है भाजपा के आगे सर नहीं झुकाया। उसके बाद जब इस तरह से लाखों लोग उमड़ के आए उनको आशीर्वाद देने, तो मैं समझता हूँ कि वो पल भावुकता का पल था। हमने भी अपने पापा को कभी भावुक होते देखा नहीं, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में नहीं देखा, तो मैं समझता हूँ कि शायद जब दादाजी का स्वर्गवास हुआ था तब 2 मिनट के लिए भावुक होने देखा था हमने, तो मैं समझता हूँ कि ये वो एक बहुत ही अद्भुत पल था। कौन से आरोपों की बात कर रहे हैं? एक आरोप तो था कि जो 2 साल पहले जाटों का आंदोलन हुआ उसके आरोप, या फिर जिस करप्शन की जो बात बीजेपी करती है उसके आरोप? सभी उसी के बाद हुआ। आप देखो, पिछले 3-4 साल में, 3 वर्ष के अंदर, जिस प्रकार से हुड्डा साहब की आवाज़ को बंद करने के लिए कार्रवाई की गई हर तरह की, और केवल हुड्डा साहब नहीं, भाजपा की कार्यशैली रही है, देश में तमाम बड़े नेता जो मजबूत विपक्षी आवाज़ भाजपा को दिखाई देती है, आरएसएस को दिखाई देती है, जो मजबूत विपक्षी आवाज़ उनके विरोध में है, उनको निशाना बना के काम बीजेपी करती है, ये यहीं पे किया गया।